आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं जर्रार खोड़ो और शाहजेब जीलानी। इट हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान, यानी ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। पाकिस्तानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ सकाफती पहलुओं और रंगों को वीडियो फिल्म्स के ज़रिए रोशनास कराने और यंग फिल्म साजों की हौसला अफजाई के लिए शायद आप जानते हों कि Dawn.com और जर्मन नशरियाती इदारा डॉयचे वेले पिछले 5 बरस से इश्तराक कर रहे हैं। इस बरस भी इस फिल्मी मुकाबले में शिरकत के लिए बहुत से ताज़ा दम फिल्म मेकर्स ने अपना काम भिजवाया और इसमें अव्वल आने वाली फ़िल्म को 6 लाख रुपए का एजाजिया, दूसरे नंबर पे आने वाली फ़िल्म को 3.5 लाख रुपए और तीसरे नंबर पे आने वाली फ़िल्म को 2.5 लाख रुपए एजाजिए का मुस्तहिक जाना गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ज़ाहिर है कि फिल्म साज मेहनत करते हैं और उनकी हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है, तो एक ऑनरेबल कैटेगरी भी बनाई गई और उसके लिए 2 फिल्में मुंतखब की गई, यानी टोटल 5 फिल्में, और इन्हें 1.5 लाख रुपए फी ऑनरेबल कैटेगरी फिल्म का एजाजिया दिया गया। तो हम फिर नीचे से शुरू करके और आखिर में आपको अव्वल नंबर पे आने वाली फ़िल्म दिखाएंगे। तो इस वक्त आप मुलाहजा कीजिए, 5वें नंबर पे आने वाली फ़िल्म मंगनहार, जिसे मरियम कुरैशी और असद बिन अजमल ने प्रोड्यूस किया था। कि मौसीकी ख़त्म न थी न भेण थी भी ये ख़त्म न थी ये हमेशा जे हमेशा ला हलंदी पी अस जैसे वा इत आया हुआ कराची अंदर पो उनन यो ही फन कंदा हुआ मन असां के न उनन सिखायो पो असां पांजे शौक सा सिख्यासी पो ये असां जो ये समझे तो असां जो एकड़ो फन आए पो गुजर सफर थी यो पो उन गुजर सफर के असां खणी खयो आसी हाँ अज ताई पो असी यो ही कम करियूं था असां के 40 साल खन थी यार। हाँ बस कमाई ये थिंदी है जो कमाई इंदा यूं तो एकड़े दिए में ब दिए में वयो खायो छड़ियो पो वरे वेठा आयूं असो ही कम जो सो अलग सुस्त थी वो इन इको सेंडन के करें के घुराइन था के ना भी घुराइन हाँ इका सट रखो गाडी में वो पाँगी शादी शुरू कर छी सरगस बरगस घोटन की थी थे तो इका वजो गाडी में वो घोटन के वो मस्जिद में सलाम भरा अचन सब गड हूँ प्रोग्राम मिले तो वो फोन कंदा इंदा गड़ी वा वो जो नसीब मिले तो वो विराए वटे खेंदा ये असाजे अबर डाडी जो फन अस पड़ डाडा डाडा यको यो असो मन एक खानदानी पेशवा है अस कंदा था चाहूँ मुख्य तो 30 साल थान ये अस जो कम हवा जो कम ये असो बंद नो यो हलन रो मुखा पो मुखे मुश्किल तो लगे पो नजर न तो अचे न कुछ चंदा बाबा अस को अस फन में अस कुछ मिलो को छाजे कर असि पढ़ाई ना थी सकी कि जो गुर्बत जीजी हुई असा कर ढोल वजाइन हो ढोल की एतरी कमाई होंगी जो अस मानी खारा सो पढ़ाई ना सो जो बाबा की तकलीफ दिखी थी अस पा को सीखी सी बाबा की सीखण हो जो ढोल सो बाबा की तकलीफ दिखी थी उनमें अस ना सीखियासी तो बाबा ये ढोल वजाए अस पढ़ाई को सको पूजा को सको सुबह अच्छी भी हुनर की तो अस बच्चे के को करा सी जब लंघान फलाना ये लंघन जो लफ्ज़ जो असा बुरो लगे तो अस वरी उन्हें ये चुनाव अब
नंगा नायू असा कपड़ा पियान असो ही फन है अबन दादन का वी अचे पो के असा गलत समझंदा तो के सुठो समझंदा असि इन फन से वही मोहब्बत है असो ही फन है हमेश का वी जो अचे पो अस वडन का वी वो अस भी उनके बाकी हेर की जो अस नंढी शायद वो इन फन का नफरत करे थी अस पा मने कंदा तो न करो चो किथे इज्जत आए किथे ना आए। हाँ जैसी सिसी में सह है तैसी इन फन के खण वेठा वो मरी वासी नको केंते ही को सिंध की सखावत है हमेश का अचे पी वो कई बुनियादन का नबीन का वी अस यो फन अचे पो। As we wandered in the streets of Dholgali, which now stands just a reminiscent of days, fueled by the tunes of dholes and melodies of Shehnai, the words of Mr. Gul Muhammad echoed as we try to find the light at the end of the tunnel. Unari galwange ta han han ye gali wari bhi nahi paida bhi thi nahi gali mein dholan jo waran jo system chalu pya kan पहरी उत्ते ही होंगी हुई गली गार्डन से उत्ते हाँ हाँ को बनजन कंजन दोल न को मू था वन न को बिहार था वन हाँ इतने वही हेर बी गली अस मशहूर कयासी मंगनहार गाने बजाने वाले और जो क्लासिकल हमारी रिवायती ट्रेडिशंस हैं उनको जिंदा रखने वाली कम्युनिटी मसाइल हैं मादूम हो रहा है ये फ़न औलादे जो हैं वो ज़ाहिर है कि बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं और हमारे यहाँ एक बात जो मुझे ये फ़िल्म देख के महसूस हुई कि हम मीरास में शायद इंटरेस्टेड हैं लेकिन मीरासी में इंटरेस्टेड नहीं है ऐसा ही है मुझे ऐसा लगा ऐसा ही यही बात है। सिंध में मंगनहार जो है वो एक कास्ट है मतलब जैसे उन्होंने बताया भी कि वो एक ख़ानदानी एक सिलसिला है और वक्त बदल रहा है जैसे हमने देखा भी कि वो कह रहे थे कि जो बच्चे हैं उनके वो ये काम स्टोरी टेलिंग कैसी लगी आपको इस स्टोरी टेलिंग तो अच्छी है चीज़ें समझ में आ रही हैं जी। अच्छा नेक्स्ट ओके तो हमारी जो अगली फिल्म है जो चौथे नंबर पे आई है उसका नाम है रोशन और इसे अल्तमश सुल्तान ने बनाया है। ये फिल्म है जो हमारे यहाँ इस वक्त लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते स्कूल से बाहर होते हैं ये एक टीचर की कहानी है जो काफ़ी सहरा से गुजर के अब जाता है उनको तालीम देता है। मैंने खुद न फिर मताओ दमन साल लिडुकाली अंबाज है सदा रखना अन्ना बारो ना बू जाते जिंदो बेदीरी अन डगारी ना खुश्क मस आलू मशतियान जंगल आते हम पाठ पर गिरा हुआ तेरे दरख्ता तक अम्मियान भल्लो ऐसा रास्ता मामूस सुनना तब्दीलिया अन्ना वजहन दे पदे अन धीरी ना कम मस कहना जिंदम मशते हम पाठ के हुआ तेरे अमर किन मजबूरी है आखिर यखम देना है ख्वाहिश दाड़ी तांग के खन खने की चुआ आबादी है सफ नना मन्ना इरामों से खलकुन दाड़े दाड़े चु धीर न निजाम असफ इच्छु बिजली असफ इच्छु सहूलत असफ धीर के बास तकलीफ उन डैमाओ में तसस वम बेफिरी अंबारिस दाड़ी न तो अस्पताल से न तो स्कूल से कने तेना बेखवानिंदगी के अरमान बरेक वो कंजात अरमान तेना चुनाते के बरेक कना उस तना अरमाने की कना खल कना कना वतन न चुना चुना तालीम याफ्ता मरे ताकि वो तारमा का जिंद रोशनाई मरे तेने पो मरेर तेना जिंदना मस्खते पो मरेर अन्ना उस्ताना अरमाने पूरव गन्निंग की इतना डुकालियो गरीबिया मुत्तावट शाराइनाट मनमेल बहा करेर चुनाते के किताब अलकुट सो वना वक्ती इतना माल ने ख्वाफिंग की देवे
والله کی راغ بسڑ گڑا ورچی عرفے و کتابات عرفے و چناتے کی دی منزل خلیصا پند کرے سا کے راٹی میں تم دریں گے وے بڑے جٹ سائی کنے ہم پت کی دوبارہ رواں مرے وے چناتا درا سر مننگ تو کتابات وجہ ہن چناتا چہرہ غرا خوشی مرے کی اڑن کنا دم دریں گے کا ایک کنا امید اک والله زندہ مرے رہے شارن ورناس بریک تا چناتی خوانے فک خلکنا چناک کی دا کتاباتی خوانر و دا کتاباتی پدا کنی تیرے دا کن مرگڑاس خلک پی نریر اراتا چناتی کی واللائی کتاباتی دیوے باو تینا خوانو کا کتاباتی پگا کنی واپس تیرے دا چناتی کی دیوے بس تینا مددتا دا تعلیم نہ کسر جاری تھی خان دا ویرانا مشتا نیامر تموک دا ڈوکالی تھی ہم باوجود نن تینا زندہ ہم باز خوشن ننا وطن ننا ایمان ہے ایدہ تارمائی تھی تو تنیا جنگ کے وے تینا مار تینا مسڑ تینا خلقنا ہر چنانا تعلیم کے ہر ممکن کوشش کے وے زندہ موتم اس کا بدل مفک تاکہ انسان تین ہمت کرتے کیا کہنے ایک ایسا ملک جس میں حالیہ سیلاب کے نتیجے میں 27,000 اسکول کلی یا جزوی طور پہ تباہ ہو گئے 20,00,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں ایک آدمی جو اپنا گزارا بھی بمشکل کر رہا ہے جنونی ہے وہ صحرا اور پہاڑ کراس کر کے بلوچستان میں ان دیہاتوں کے بچوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں کبھی کوئی حکومت نہیں جائے گی جہاں کبھی کوئی علم کا نور پھیلانے والا نہیں پہنچے گا مگر یہ آدمی جو کہ ان کے لیے حکومت بھی ہے جو ان کے لیے رول ماڈل بھی ہے اور جو ان کے لیے کل کائنات ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی شاید یہ دنیا چل رہی ہے مجھے تھر کی وہ بچی بھی یاد آ رہی ہے جو پیروں سے معذور تھی اس نے تعلیم حاصل کی اور اپنی ہی جھونپڑی میں اسکول کھول لیا کہ اس لیے کہ اسے جو چانس ملا ہے اس کے آس پاس کے بچوں کو اس کے دوستوں کو بھی ملنا چاہیے اور مجھے ٹیچر بھی یاد آ رہا ہے جو روزانہ کئی سال سے 5 بجے 6 بجے سرکاری نوکری ختم کر کے اسلام آباد کے ایک پارک میں آتا ہے اور بچے اسے دیکھ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ انہیں ٹافیاں بھی دیتا ہے اور تعلیم بھی دیتا ہے یہی پاکستان ہے سلام ہے یہی پاکستان ہے یہی سرکار ہے یہی حکومت ہے یہی ہم ہیں اور ایک سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ جب ہم مطلب یہی ہے نا کہ یار اتنے بڑے مسئلے ہیں یار ایک بندہ کیا کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے تو یہ آپ نے دیکھی ہے اور جو آپ نے باقی بھی مثالیں بنائی اور یہ ایک ایسی فلم ہے کہ آپ زبان نہ بھی سمجھیں آپ بات سمجھ میں آ جاتی ہے بات سمجھ میں آ جاتی اور جیسا کہ بلوچستان سے ہے تو یہ بھی مجھے دیکھ کے کافی کلیئر لگا کہ یہ کوئی ان کے پاس بجٹ بہت محدود ہے جو کیمرہ ورک ہے اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ سٹوری اتنی انٹرسٹنگ ہے اور ایسے دور دراز علاقے سے کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جو اگلی جو ہماری فلم ہے جو تھرڈ پرائز ونر ہے فلم کا ٹائٹل ہے سکندر سنم یہ بھی کچھ ایسی ہی ہے کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ شعبوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ان کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی لیکن انہوں میں اتنی جذبہ ہوتا ہے اتنا جوش ہوتا ہے اتنی ول پاور ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو مجبور کر دیتے ہیں کہتے ہیں روک سکو تو روک سکو تو روک اور یہ فلم ہے محمد رفیق عبد النفیس محمد ایوب اور مہران علی شاہ نے مل کے تیار کی ہے تھرڈ پرائز 2.5 لاکھ روپے کی مستحق قرار پائی سکندر سر مجھے نالو سکندر آئے ابراہیم حیدری جو رہائشی آیا سکندر سن مجھے نالے سے مشہور آیا ڈانسر ستیں سالیں جی عمر کا مکھے نچڑ شوق تھو
किथे शादी होंदी किथे का दौल पियो वजे या किजा त आउं नचण ते बीह वेंदो हुसि पोइ माइट मूंखे कुटींदा मां शही सां कुटे मूंखे खणी वेंदी हुई ॾाढियूं परेशानियूं हूंदियूं पर मुंहिंजो शौक़ु जुनून मथे हुयो ॾाढो जेको आउं मूं पोइते पेर कोन विधां सॼो ख़ानदान हथु कढी बीह रहियो मूंखे घरनि मां बि कढी छॾियूं बाबा हीउ धंधो छॾ या घरु छॾ पर मूं न उनखे छॾियो न घरु छॾियो न डांस छॾी पंहिंजा बच्चा पाऊं पारियां पोइ शादीशुदा आहियां चईं बचनि जो पीउ आहियां घरु हले पियो सभु सिस्टम हले पियो नौकिरी पाए मुंहिंजी हीउ कमु पाए त ईअं मुंहिंजी ज़िंदगी अॻियां हलंदी रही परेशानीअ खे मोह ॾेई ॾेई आहिस्ता आहिस्ता आऊं स्टेज ते आयुसि पोइ नालो थियो ॻोठ में प्रोग्राम कयमि पोइ साॻिया माण्हू मुंहिंजा जेका नाराज़ हुया मिट माइट ख़ानदान वारा सभु आहिस्ते आहिस्ते मूंसां ॻाल्हाइणु लॻा ॻोठ वारा अचणु लॻा मायूं अची वञणु लॻियूं बाबा असांजे घरु शादी आहे त ॾींहुं तारीख़ ॾियणु आया आहियूं एडवांस ॾियणु आया आहियूं आहिस्ते आहिस्ते मुंहिंजी इज़त वधी बाबा न त मायूं पचनि पियूं मर्द पचनि पिया ॻाल्हाइण लाइ प्रोग्राम लाइ दावत ॾियण लाइ करे जी फिल्म मुझे अच्छी लॻी कैरेक्टर बि बहुत अच्छा है उसकी स्ट्रगल की भी बात हो रही है मुझे जो चीज़ आउट ऑफ प्लेस लॻी इसमें वो म्यूज़िक था मुझे लगा कि वो रूटेड नहीं है जहाँ पे इब्राहिम हैदरी में जहाँ पे वो है जो फ़िशिंग कम्युनिटी से का ताल्लुक़ रखता है जो उसकी सकावत है तो वो मुझे थोड़ा सा इसमें थ्रो कर रहा था बार बार कि मुझे लगा था कि एक मिसमैच है लेकिन इशू अपनी जगह पे बहुत टेक्निकल हो यार आप तो लेकिन मैं पता है इसमें एक रियायत दूंगा ये जितने भी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इनके पास कितना पैसा था स्टीव के पास लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने हज़ारों रुपए के बजट में लाखों के नहीं हज़ारों रुपए के बजट में तो उन्होंने म्यूज़िक कहीं से ज़ाहिर है कि अपना तो कंपोज शायद करवाया है या नहीं आई डोंट नो लेकिन बिल्कुल यू आर राइट कि कैरेक्टर स्टोरी और स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन मतलब बहुत बोल भी अच्छा रहा है इज वेरी आर्टिकल है अब मज़ा आएगा अगर ये थर्ड प्राइज़ है तो सेकेंड प्राइज हाँ जी ये जो प्रोजेक्ट है don.com का और जर्मन नशरियाती इदारे ड्यूचे वेले का उसमें सेकंड नंबर पे जो फिल्म मुंतखब हुई है उसका नाम है ब्लाइंड म्यूज़िक टीचर अ फिल्म बाय अब्दुल बासित एंड जुनेद मुख्तार और ये 3.5 लाख रुपए इनाम की मुस्तहिक करार पाई है और ये फिल्म हमें शायद वादी हुंजा में ले जाने वाली है My name is Nizamuddin and I am a blind music teacher. Mera taluk Hunza Valley se hai. मुर्तजाबाद नाम का छोटा सा गांव है प्रेजेंट मेरी जो रेजिडेंस है वो गिलगित में है और मेरी जो इम्पेरिमेंट थी वो मेरा बाय बर्थ था मेरी फैमिली को पता चला मेरे बर्थ के 3 महीने बाद आखान हॉस्पिटल से मैंने चेकअप करवाया अपना और वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसका कोई सलूशन नहीं है फिर मैंने कहा कोई बात नहीं इम्पेरिमेंट तो होती है और हर बंदे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है सो मैं इस इम्पेरिमेंट को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता गाने तो ये है कि बजा लेते हैं उर्दू लाइक उसके बाद जीबी फोक सॉन्ग्स यहाँ पे तो सितमगढ़ बहुत चलता था शुरू में और अब जो चल रहा है करे करे म्यूज़िक का मुझे बचपन से शौक़ था जब हमसाये में या फिर कहीं से भी मुझे किसी टाइप की भी म्यूज़िक की आवाज़ आती थी तो मैं कान लगा के उसको सुन रहा होता था यहाँ पे सतोकीर ने मुझे बताया कि म्यूज़िक के जॉब्स हैं आप अप्लाई कर लें तो मैंने अप्लाई किया और लकीली मेनाज फातिमा फाउंडेशन ने मुझे एज ए म्यूजिक टीचर एक्सेप्ट कर लिया ओके सारे वोकल स्पीच करेंगे बोलेंगे सारे सा ओके सा
मेरा नाम तौकीर हुसैन है, मैं महनाज फातिमा फाउंडेशन स्कूल जो इंक्लूसिव स्कूल है वहाँ एज ए म्यूज़िक टीचर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो उन्हें नहीं पता चल रहा कि वो मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन जब मैंने कॉलिंग करना शुरू किया तो फिर उन लोगों को मालूम हुआ कि मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ। आपका स्टूडेंट बड़े प्लेटफॉर्म पे चला, बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करें, नेशनल लेवल पे परफॉर्म करें, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अच्छी इंडस्ट्री है लाइक कोक स्टूडियो है, नेस्ट कैफे बेसमेंट है, वहाँ पर जाके परफॉर्म करें, अपने आप को मनवाएँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। सुनी सुनी लगती है ये वादियाँ, रो रही है हुस्न की शहजादियाँ। सुनी सुनी लगती है ये वादियाँ, रो रही है हुस्न की शहजादियाँ। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बहुत तो वाह 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 वाह। तो ये थी प्रोडक्शन क्वालिटी, आप कैसे लगी दो म्यूजिक का सिलेक्शन और ड्रोन शॉट? अच्छा हमें हंजा देखने को मिला और दो बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स। अच्छा ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसपे इन्होंने ये फिल्म क्लोज की है ना, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हाय क्या बात है। अच्छा ये जो आप प्रोडक्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये जो अब्दुल बासित साहब और जुनैद मुख्तार साहब है, इनका अपेरेंटली एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस भी है लास्ट माइल फिल्म, थोड़ी प्रोफेशनल टच आपको इसमें नजर आई है? प्रोफेशनल टच नजर आई है वो ये। अच्छा हौसला देती है निजामुद्दीन और तौकीर हुसैन की, यार कितनी कहानियां हैं मतलब। अच्छा ये ना 5 साल हो गए ना इस प्रोजेक्ट को, तो शाहजेब हम तकरीबन हर साल ना हमने इस पे किया है, और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो फिर अभी मैं बात करने लग जाऊंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा, आपको बाद में वो दिखाएंगे। तुम बात करो टाइम निकल गया यार, वो फिल्म एक्स्ट्रा है, हां फिल्म एक्स्ट्रा वाले जो हॉलीवुड, यार मैं अभी भी कहता हूं ना इंसाफी हुई है उसको सेकंड प्राइज, मेरे लिए वो फर्स्ट प्राइज थी। अब तुम अभी मुझे प्रोग्राम से पहले याद दिलाते ना, एक पहले वाले नहीं थे, प्रोग्राम से पहले याद दिलाते तो शायद हम दोबारा उसे चलवा देते किसी और दिन। पहला प्राइज जिस फिल्म को मिला है 6 लाख रुपए का, उसका नाम है खाना बदोश। फिल्म है खुर्रम अली, सहर अली, हमजा शाहिद और अली साहिल की, और इसका मौजू है सांप और सपेरे, और जो हमारी खाना बदोश कम्युनिटी है इसका सब्जेक्ट मैटर ये है। आइए देखते हैं। जब सिंध और हिंद के दरमियान बॉर्डर लगा तो हमारे कुछ जोगी उस तरफ रह गए और कुछ इस तरफ। हम खाना बदोश जोगियों की जिंदगी सांप से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है। हमारी मुरली, पटारी, कशका और हमारा गेरू लिबास, बस यही हमारी पहचान है। ये मुरली दुनिया का वाहिद साज है जो बाजारों में नहीं है। हम नगरी नगरी घूमते हैं, एक ही शहर से दूसरे शहर, एक मजार से दूसरे मजार। ब
बस हमारी जिंदगी में सफर ही सफर। हम फकीर लोग अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सांपों को ढूंढते हुए गुजार देते हैं, लेकिन जब शहरों का रुख करते हैं तो लोगों को सांप का नाच दिखाकर चार पैसे कमा लेते हैं, जिससे हमारे बच्चों और सांपों का गुजारा होता है। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है हमें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हमारे नजदीक दुनिया हमारी पटारी की तरह गोल है, जिसमें हमारे अपने पाले हुए सांप रहते हैं जिनसे हमें बहुत मोहब्बत है। हमारा रहना सहना बहुत ही सादा होता है, इतना सादा कि शहर में रहने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। सामी, गरनारी, आहुति और लाहुती, ये हम जोगियों के कबीले हैं। मेरा ताल्लुक लाहुती कबीले से है। हम लाहुती लोग लाहुत ला मकान का सफर करते हैं और रास्ते में आने वाली मुश्किलों को झेलकर हम लाहुती फकीर कहलाते हैं। बरसात के मौसम में चार महीने अपने असल ठिकानों में रहते हैं और बाकी के आठ महीने खाना बदोशी और गदागरी में गुजार देते हैं। योगीरा बीरा जो मजे हथारे लकीरा नशा विच डोलो मारो जनी मनाए दे नशा विच डोलो मारो जनी मनाए दे हरस दी तर मारी तू तक दीरे रे योगीरा बीरा जो मजे हथारे नशा विच डोलो मारो जानी रो मनाए दे नशा विच डोलो मारो जानी रो मनाए दे भरत दी कर मारी तू तक दीरे रे जोगीड़ा दीरा जो मजे हथारे लकीरा जोगीड़ा दीरा जो मजे हथारे बस यही हमारी जिंदगी है जो हम इस समाज को देते हैं और बदले में समाज हमें जो जीने का हक देता है वो जिंदा रहने के लिए काफी है। वाह यार, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में सिर्फ सीधा इसे भेज दो। अच्छा, उसकी पॉसिबिलिटी भी खुलती है क्योंकि जो इसमें शिरकत करते हैं और जो एटलीस्ट जो ऑनरेबल मेंशंस हैं या जो विनर्स हैं तो उनको डॉयशे वेलर, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उर्दू के साथ काम करने का भी मौका मिल सकता है और फिर ये डॉन और प्रिज्म के साथ भी, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है ठीक है, सही है। जर्मनी जाने का मौका मिलेगा, वो अच्छी बात है। परेशान कर दिया तुमने एक सेकंड के लिए। और अगेन देखिए शोकेस, हाँ, अब अगर यार स्टोरी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट विजुअल इफेक्ट्स म्यूजिक शूट्स, वाह, नरेशन बहुत अच्छा था। और मेरा ख्याल है कि जो आवाज़ हमने सुनी वो भी मेरा नहीं ख्याल कि वो इनमें से कोई एक सपेरा था, लेकिन उसमें पूरी जो स्टोरी टेलिंग है वो आ गई। हाँ, मेरा ख्याल है शायद यही इसीलिए ये नंबर वन पे आई है, हालांकि पर्सनली आप मेरे से पूछे तो हुंजावत। अच्छा, आपको वो बेहतर लगी? अच्छा, मुझे ये इसलिए ज़्यादा वो लगी क्योंकि इसमें जो पूरा इन्होंने सफ़र बताया ना लाहौती की बात की, हम नगर नगर घूमते हैं, तो मेरे जहन में सारा शाह लतीफ़ घूम रहा था क्योंकि शाह लतीफ़ की शायरी में ये बयाबानों में घूमना, ख़ुद को तलाश करना, एक सिंपल लाइफस्टाइल, तो मुझे इसलिए ज़्यादा पोएटिक लगी है। मुझे पता है क्योंकि शायद अब क्योंकि इधर ही रहते हैं तो ये कहानी मैंने सुनी हुई है, मतलब ये इससे मैं व्यवस्था हूँ, मैं फेमिलियर हूँ। वो वाली जो स्टोरी थी ना ब्लाइंड म्यूजिक टीचर वाली, वो मेरे लिए बहुत नई थी। तो लेकिन आप देखें कितनी डाइवर्सिटी है, नहीं बहुत आपके मुल्क में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, मौजूआती डाइवर्सिटी और हाँ टॉपिक्स कितने कितने अलग हैं। लेकिन एक से आपको बिठा के ना बाकी फिल्में दिखाऊंगा किसी दिन। आई वुड लव टू, यू विल एंजॉय। देखें हम हमारे जब हम अपने
अनफॉर्चुनेटली जब हम डिप्रेसिंग न्यूज़ चैनलों पे देख रहे होते हैं तो हमें ये इंस्पायरिंग कैरेक्टर नज़र नहीं आते नहीं। ये इसी मुल्क में रहते हैं जो इनके बस में जो कुछ है ये कर रहे हैं। वो खुद भी कह रहा है कि हमें नहीं पता कि अच्छा देखो दुनिया हमारे बारे में क्या होता क्या है ना, होता क्या है ना कि यार खुदा ना खास्ता बम फटे, वो हर टीवी स्क्रीन पे फटेगा, वो हर अखबार के फ्रंट पेज पे फटेगा। मतलब जो बुरी खबर होती है, बैड न्यूज़ जो होती है वो आपको ढूंढ लेती है, अच्छी जो खबरें और जो इस तरह की खबरें वो आपको ढूंढनी पड़ती है, कदर मुश्किल काम है, लेकिन ढूंढो तो कुछ भी मिल जाता है। तो ये बताएं कि अगर लोग इसको देखना चाहें इन फिल्मों को तो क्या कोई वेबसाइट वगैरह है, हमारी वेबसाइट डॉन की वेबसाइट पे मेरा ख्याल है, अब मुझे 100% पता नहीं, मैं पता करता हूं। ओके, तो वो वहां पे सिर्फ ये 5 अवेलेबल हैं, बाकी फिल्में जो सबमिशन ये हम बाद में प्रोग्राम आपको डिटेल, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि हम बता देना। अच्छा एक और भी बड़ी मजेदार चीज है, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास डिटेल्स हैं नहीं, लेकिन अभी don.com पर ना कोई पिछले हफ्ते ही एक ये भी एक फीचर आया था कि जो पिछले सालों में जो विनर्स थे वो अब कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं और इससे उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा। अच्छा ये हमें तो बहुत ज्यादा डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन हम किसी भी प्रोग्राम में इनको ये जैसी वाइंड वो होगा अगले प्रोग्राम में हम बता देंगे कि डिटेल्स के आप कहाँ देख सकते हैं, डेफिनेटली किसी ना या उनमें से विच वैली की वेबसाइट भी होगी और जो फॉर्मर विनर्स हैं उनको हम बुला भी सकते हैं। और मुझे इस स्क्रिप्ट में जो जुमला पसंद आया वो ये था कि मुरली बाजारों में नहीं मिलती। हाँ, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।